हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में आपको डीप रिव्यू देने वाला हूं ये डिवाइस ओकिटल K6 का। तो रिसेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जहां पर मैंने की थी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग, तो आप देख सकते हैं उसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप उस वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं इस डिवाइस का डीप रिव्यू। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ डिवाइस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या कुछ कमियां हैं इस डिवाइस के अंदर, और कैसी इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप ये डिवाइस देख सकते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी डिस्प्ले दिया गया है जिसका कि स्क्रीन रेशियो है 18:9 का। 6 इंच का ये डिस्प्ले यहाँ पर है। IPS स्क्रीन इसके अंदर दिया गया है, फुल HD+ सपोर्ट करता है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर ऊपर की तरफ, आप ये देख सकते हैं इसका पैनल, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक LED फ्लैश फ्रंट कैमरा के साथ में काम करने के लिए। साथ ही यहाँ पर हमारा ईयर पीस, और इधर की तरफ आपको मिल जाते हैं 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के दो फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि आपको काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ यहाँ पर लेकर देने वाले हैं। और इधर की तरफ शायद से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर दिए गए इनके बाकी के सेंसर जो भी आपके बेसिक होते हैं, लाइट सेंसर वगैरह, वो सारी चीज़ें। और दिखाता हूँ आपको इसका एक बार बैक व्यू। तो बैक व्यू में आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर शाइनिंग वाली लुक दी गई है। और पूरा जो इसका डिज़ाइन दिया है वो बनाया गया है एल्यूमिनियम का। यहाँ पर आपके कैमरा दिए गए हैं पीछे की तरफ, एक है 21 मेगापिक्सल का, दूसरा है 13 मेगापिक्सल। तो काफ़ी ज़्यादा कैमरा यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही इसके नीचे की तरफ दिया गया यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि ठीक ठाक यहाँ पर काम हमारा कर लेता है। साथ ही आपको दिया गया है डुअल टोन LED फ्लैश आपके फोटोज़ को अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप अपने डिवाइस से रात में भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ यहाँ पर कैप्चर कर सकें। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने रिसेंट वीडियो में बताया था, ये शायद से कोई सेंसर होगा, तो यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह इसमें नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन दिया गया है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक वगैरह नहीं मिलता है। बात करते हैं नीचे की तरफ की, तो यहाँ पर भी आपको 3.5mm का, जैसे कि कुछ डिवाइसेज में नीचे होता है, वो भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डिज़ाइन यहाँ पर देख लेते हैं, इधर की तरफ आपको दिया गया है एक स्पीकर, और यहाँ पर आपका दिया गया माइक्रोफोन। मोस्टली फोन्स में दोनों तरफ होता है, लेकिन इस डिवाइस में आपको एक ही तरफ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर सपोर्ट दिया गया USB-C का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं USB-C। और दिखाता हूँ आपको एक बार इसको राइट साइड से, तो राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, और साथ ही मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का ये स्विच। और लेफ्ट साइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, लेफ्ट साइड में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक ये मैं फोकस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ट्रे सिम कार्ड लगाने के लिए। तो हाइब्रिड डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में दिखाया था, आप इसके अंदर दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड जो कि आपका नैनो होगा और एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइस का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाता है 13, और साथ ही 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें, अब चलते हैं डिवाइस के थोड़ा डीप रिव्यू की तरफ। तो मैंने इसको अनलॉक कर लिया, फिंगरप्रिंट यहाँ पर इसका ठीक ठाक काम करता है। तो अब ज़रा प्रीव्यू कर लेते हैं अपना एंटोतु बेंचमार्क एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने इसको किया है ओपन, और आप यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं इसका। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो भी डिवाइसेज हमें मार्केट में मिलते हैं एक मिड रेंज को देखते हुए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें ये डिवाइस दे देता है। और माई डिवाइस के अंदर मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड और मॉडल का नेम वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं ओकिटल K6। साथ ही यहाँ पर आपको जो हार्डवेयर यानी कि CPU मिल जाता है, वो आपको मिल जाता है ऑक्टाकोर CPU इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है। मीडिया टेक की तरफ से आने वाला 6763 यानी कि हेलियो का P23 प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.1.1 यानी कि आपका एंड्रॉयड नोगट। जो इसका हार्डवेयर है वो बेसिकली सपोर्ट करता है 64-bit को यहाँ पर, और साथ ही आपका जो GPU आपको मिलता है वो मिलता है मालिका G71 का। और स्क्रीन पिक्सल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं Full HD+, जैसा कि मैंने बताया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही अगर कैमराज की बात करें, मैंने आपको वो भी बता दिया, यहाँ पर आपको 21+13 मेगापिक्सल का मिलता है जो आपका रियर कैमरा है वो, और आपको 13 8 का मिलता है अपना फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब जो चीज़ मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी लगी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो रैम है वो है डिवाइस के अंदर 6GB की, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो है हमारे इस डिवाइस के अंदर 64GB की। और इसी के साथ चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर डिवाइस हमारा 64-bit को सपोर्ट करता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में आता है। और PPIs की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमें 402 PPI यानी कि पिक्सल पर इंचेस मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे डिवाइस की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे इस डिवाइस के लिए है, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन ऑर्डर करके स्पेशली मंगाया था हांगकॉन्ग से, वो मुझे लगती है इसकी बैटरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6300 mAh की बैटरी। तो कंपनी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो इस डिवाइस का जो आपका बैटरी बैकअप है वो है 368 घंटे कंटिन्यूस, अगर आप इसको यूज़ करते हैं स्टैंड बाई मोड पर तब।
और साथ ही अगर आप इसको यूज़ करते हैं 4G यानी कि अपना नेट वगैरह ब्राउजिंग के दौरान, तो आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं यहाँ पर 12 घंटे तक। तो मैंने अभी इसको 4 दिन तक यूज़ किया है। 4 दिन यूज़ करने के बाद में मुझे लगा कि हाँ, कंपनी जो चीज़ें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पूरा दिन पूरे रात यूज़ करता हूँ और डिवाइस की बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। मैं पूरी तरह से सही कहूँ तो इसको यूज़ करते करते बैटरी को डाउन भी नहीं कर पाता वहाँ पर। तो अब टेस्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस का GPS। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एप्लीकेशन डाला हुआ GPS टेस्ट, तो देख लेते हैं कितनी एक्यूरेसी हमें इस डिवाइस की मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट है इंटरनेट से और इसको ऑन कर लेते हैं अपना GPS, और अब देखते हैं कितनी एक्यूरेसी हमें यहाँ पर मिलती है। तो एक्यूरेसी यहाँ पर आपके नंबर्स होते हैं, वो जितना कम होंगे आपके डिवाइस की एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन एक्यूरेसी डिवाइस की मिल जाती है। यहाँ पर आपको नंबर 4 तो कभी 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफ़ी कम है और डिवाइस की एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। और साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं छोटी सी परफॉर्मेंस स्पीड टेस्ट के लिए कैसे आपका डिवाइस काम करता है। तो चलिए इस ऐड को हटा लेते हैं और यहाँ पर मैंने सारी ऐप्स को ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ऐप्स दिखा देता हूँ, मैं कितने ऐप्स इस डिवाइस के अंदर रनिंग किए हुए हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लगभग फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स थे मैंने सभी को ओपन कर लिया है। आपको भी दिख रहे होंगे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, मैं बाकी सारे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इतने सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो बैकग्राउंड में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन फिर भी ज़रा भी लैग नहीं हो रहा है, ज़रा भी हैंग नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ही स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ओपन हो रहा है। और मैं आपको कुछ अदर एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं गूगल। तो देखिए गूगल भी काफ़ी फास्ट तरीके से ओपन हो गया। तो इतने सारे एप्लीकेशन के बाद अगर आपका कोई नॉर्मल डिवाइस है तो बहुत बुरी तरह से लैग होने लगता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देता। लेकिन यहाँ पर 6GB रैम और एक अच्छा प्रोसेसर होने की वजह से ये फ़ोन ज़रा भी लैग नहीं हो रहा है, हम इसको बहुत ही आराम से यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस डिवाइस में आपको 2K का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए प्ले कर लेते हैं एक 2K वीडियो। यहाँ पर मैंने ओपन किया MX Player Pro अपना, और इसके अंदर मैंने वीडियो के थ्रू YouTube से कुछ वीडियोस डाउनलोड किए थे, तो उनको प्ले कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अवतार का ट्रेलर, ये मैंने 2K में डाउनलोड किया है, तो उसको ज़रा प्ले कर लेते हैं। और आवाज़ मैं इसकी बंद कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट इशू हमें फेस करने को ना मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से बिना यहाँ पर डिवाइस को थोड़ा भी लैग किए या फिर बिना कोई परेशानी दिखाया हमारा 2K डिवाइस के अंदर सपोर्ट हो रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि शायद से आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं दुबई इन 4K, यहाँ पर मैंने 4K वीडियो को भी डाउनलोड किया है। तो थोड़ा सा ज़रा इसको भी प्ले कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डिवाइस 2K सपोर्ट करता है और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या इसमें 4K काम करेगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा प्रीव्यू। तो ये मैं 4K चला रहा हूँ और ज़रा डिकोडर चेंज कर लेते हैं अपना HW+ पे, यानी हार्डवेयर प्लस पे हमने डिकोडर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4K भी सपोर्ट हो रहा है। हल्की फुल्की लैगिंग है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन 2K क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ पर 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ या फिर बिल्कुल स्मूथ वाली चीज़ नहीं देखनी तो आप यहाँ पर 4K का मज़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल करते हैं इसको बंद, मैं नहीं चाहता कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वापस से चैनल पर आए। तो इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए बंद, और अब ज़रा मैं आपको इस डिवाइस की जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए ओपन कर लेते हैं YouTube और यहाँ पे सर्च करते हैं NCS, यानी के नो कॉपीराइट साउंड। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना YouTube का एक नो कॉपीराइट साउंड वीडियो, और इसको कर लेते हैं प्ले। और तो इसको कर देते हैं फिलहाल स्किप, ये हो गया है। तो नीचे तो यहाँ पर नेट फिलहाल थोड़ा स्लो है, वीडियो हमारा बीच में रुक गया है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी आपको पता चल ही गया होगा इतने टाइम में, काफ़ी लगभग 30 सेकंड के आसपास वीडियो यहाँ पर हमारा जो है प्ले हो गया है। तो आपको ऑडियो क्वालिटी का भी यहाँ पर पता चल गया होगा। अब ज़रा टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपना वाइब्रेट किस तरह से हमारा डिवाइस करता है, तो वाइब्रेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले सेट कर लेते हैं अपना वाइब्रेट मोड पर। तो यहाँ कर लेते हैं, ये हमारा डिवाइस हो गया वाइब्रेट मोड पर सेट, और कॉल करते हैं अपने डिवाइस पर और देखते हैं कितनी वाइब्रेशन यहाँ पर हमारा डिवाइस देता है।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको वाइब्रेशन दिखाने की, जो कि नॉर्मल है, लेकिन शोर की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो अब टेस्ट कर लेते हैं डिवाइस के अंदर फेस अनलॉक का फीचर आपको मिलता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ हमको जाना होगा डिवाइस के सेटिंग में, और इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फेस अनलॉक। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं, मैं ज़रा अपना फेस इसमें डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला अपना पिन और मैं सेटअप कर लेता हूँ इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना फेस जो है वो इस पर सेटअप कर लिया है और डिवाइस ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो फिलहाल इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर कर दिया हमने इसको लॉक, और अब करते हैं ज़रा अनलॉक। तो इसके लिए मुझे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस अनलॉक हो गया है। अब इसको एक बार फिर से लॉक करके देखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा ताकि आपके सामने इसको मैं, ये देखिए अनलॉक डिवाइस हमारा हो गया है। मैंने कोई पैटर्न नहीं लगाया, कोई पिन नहीं लगाया, और यहाँ पर डिवाइस अनलॉक हो गया। अब साथ ही यहाँ पर है मेरे पास दूसरा डिवाइस जिसमें है मेरा फोटो, और देखते हैं क्या हमारा फेस अनलॉक इस फोटो से भी अनलॉक हो पाएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा डिवाइस जो कि आप देख सकते हैं अभी लॉक है, और इसके सामने मैंने रखा अपना फोटो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस जो है वो अनलॉक हो गया है। मैंने ना कोई पैटर्न डाला, ना कोई पिन डाला, डिवाइस यहाँ पर अनलॉक हो गया है। तो बेसिकली इन डिवाइसेस के अंदर जो आपको मिलता है वो कैमरा बेस्ड फेस अनलॉक होता है, जैसा कि आपको आईफोन एक्स के अंदर मिलता है, वो आपका सेंसर बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कैमरा बेस्ड मिलता है। तो अगर आप इसको किसी फोटो वगैरह से अनलॉक करना चाहेंगे तो अनलॉक हो जाता है। हालांकि कहना ठीक होगा कि फेस अनलॉक आपका काम करता है, लेकिन पूरी तरह से फेस अनलॉक है नहीं। और साथ ही यहाँ पर जो आपकी नोटिफिकेशन लाइट का मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन लाइट आप ये देख रहे होंगे, ये बेसिकली में दो कलर्स दिखाती है। पहला तो है हमारा ब्लू जो कि नोटिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर काम करता है, दूसरी होती है हमारी रेड कलर की जो कि बैटरी डाउन होने के समय पर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब सीधी बात है, बैटरी लाल होगी अगर नोटिफिकेशन लाइट तो खतरे का निशान ही होगी। और यहाँ पर अब जरा चेक कर लेते हैं, मैंने कुछ फोटोज़ लिए हैं कैमरा से। तो ये फिलहाल फेस अनलॉक है, मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अनलॉक हो गया डिवाइस, और यह है हमारा गैलरी, और इसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा पास ले आता हूँ फ़ोन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है ये। यहाँ पर आप ये पोल देख सकते हैं, इस पर किया गया है फोकस। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ और फोटोज़ जो कि मैंने कैप्चर किए हैं इसी डिवाइस के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोज़ जो कि यहाँ पर जूम हो रहे हैं, और आप इनमें काफ़ी अच्छी इस स्मार्टफोन की क्वालिटी जो है वो भी देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ब्लर किया गया है ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, और ऑब्जेक्ट को काफ़ी क्लियर यहाँ पर सभी फ़ोटोज़ में दिखाया गया। तो सारे फ़ोटोज़ मैंने अलग अलग लिए हैं, कुछ आपको कम लाइट में लिए गए हैं, कुछ ज़्यादा लाइट में लिए गए हैं, कुछ सनलाइट में हैं। और कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं ताजमहल की पिक्चर, वो एक पानी वाला ताज आता है, आपने शायद से देखा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ताज की मैंने फ़ोटो ली थी, तो ये फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और कुछ और फ़ोटोज़ की बात करें, जैसे ये वाला, तो ये मैंने लिया था नाइट के समय में LED फ्लैश के साथ में, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कैमरा क्वालिटी फ़ोन की है। और दिन में जो फोटोज़ हम लेते हैं उसमें हल्का फुल्का नॉइस आता है, वो मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छा फोकस होता है, और जो ब्लर इफेक्ट है वो काफ़ी कमाल का है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ जो कि मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा से लिए हैं। तो ये दिन का फोटो है, लगभग दोपहर के टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, और ये शाम के समय गौरव ने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए थे। तो ये फ़ोटोज़ इतने अच्छे कुछ मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं शाम वाले, लेकिन दिन के फोटो की बात करता हूँ वो फ़ोटो काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा था। तो मैंने कुछ अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर फ़ोटो लिए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ों का कोई फ़ोटो लेना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको फोकस वगैरह चेक कराने के लिए इसका कैसा होता है ये फ़ोटोज़ लिए हैं, तो आप इनको बड़े आराम से देख सकते हैं। तो मैं सुबह से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, और अभी आप बैटरी देख सकते हैं यहाँ पर 84% बैटरी अभी बाकी है, और सुबह से कितना कुछ यूज़ किया है इस डिवाइस में, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लगभग मेरी 2 घंटे 18 मिनट और 53 सेकंड से स्क्रीन ऑन है। तो अभी तक सिर्फ लगभग 15 से 16% बैटरी डाउन हुई है, और मेरे बाकी सारे जो भी ऐप्स थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे एप्लीकेशन अपने डिवाइस में खोले हुए हैं। तो आप देख लेते हैं ज़रा सा स्पीड टेस्ट और क्या कुछ परफॉर्मेंस है। तो फिलहाल बाकी जो भी ये ऐप्स थे इन सबको कर लेते हैं बंद। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके ये अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर रहा है, ये फोकस हो गया, और आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से।
और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये सारा जो काम करता है वो बेसिकली आपका स्टॉक एंड्रॉयड पे काम करता है डिवाइस। हालांकि कुछ चीज़ें ओके चैनल ने अपनी तरफ से भी यहाँ पर हमें डिवाइस के अंदर दी हैं, लेकिन बेसिक सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह वो सब बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड वाली ही आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और अब मैं दिखाने वाला हूँ, जो लोग एडिटिंग करना पसंद करते हैं अपने स्मार्टफोन पर, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं और वो काइनमास्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपनी वीडियो का। तो ये वही वीडियो है जिसमें फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 10 मिनट 43 सेकंड का वीडियो है, और कितना टाइम ये रेंडर होने में यहाँ पर लेता है चलिए देख लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को सेव टू गैलरी और इसको करते हैं हम 720p में। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है टैप और डिवाइस को मैं रख देता हूँ नीचे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम है वो हुआ है 12:49, और देखते हैं कब तक हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर रेंडर हो पाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 13 सेकंड का टाइम बाकी है हमारी वीडियो रेंडर होने में। और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:57, तो मैंने इसको शुरू किया था 12:49 पे और अभी 57 हो रहे हैं, यानी कि करीबन 8 मिनट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और वीडियो हमारी रेंडर हो चुकी है, जिसको कि हमने रेंडर किया है यहाँ पर 720p यानी कि HD रेजोल्यूशन में। और ये था डिवाइस का एक छोटा रिव्यू। अब यहाँ तक जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने आपको वो बता दी, लेकिन डिवाइस में ऐसा नहीं है कि कुछ कमियाँ नहीं थी, मैं आपको कमियाँ भी बताने वाला हूँ। कभी आप लोग बोल रहे हैं कि सारा कुछ मैंने अच्छा अच्छा बता दिया डिवाइस के बारे में, और जो यहाँ पर कमियाँ थी डिवाइस की वो मैं आपको नहीं बताया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डिवाइस के अंदर जो फेस अनलॉक मैं आपको दिखा रहा था वो एक्चुअली फेस अनलॉक नहीं, उसको मैं फ़ोटो अनलॉक कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर उसने मेरे फ़ोटो से भी डिवाइस को अनलॉक कर दिया। तो यहाँ पर ये कमी मिल जाती है, जो कि आपको आईफोन बेस डिवाइस तो देते हैं लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोटो अनलॉक बिल्कुल वैसा देखने को नहीं मिलता। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा डिवाइस के वेट के बारे में। तो डिवाइस का जो वेट अगर आप यूज़ करते हैं बिना किसी कवर वगैरह के, तो यहाँ पर होता है 260 ग्राम का, यानी काफ़ी ज़्यादा भारी ये डिवाइस बन जाता है, जिसका रीज़न है इस डिवाइस की बड़ी बैटरी जो कि 6300 mAh की है। आपको बैकअप तो अच्छा मिलता है लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ज़्यादा वेट भी अपने साथ में कैरी करना पड़ता है। और यहाँ पर तीसरी जो कमी है वो है डिवाइस के फिंगरप्रिंट सेंसर में। ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है बाकी डिवाइसेस के मुकाबले अगर इसको देखा जाए। जैसे मैंने यहाँ पर फिंगर लगाता हूँ, तो उसके बाद में देखिए मैंने फिंगर लगाया और ये थोड़ा लेट यहाँ पर अनलॉक होता है, जैसे कि आपने बाकी डिवाइसेस में देखा होगा, वो काफ़ी फास्ट यहाँ पर काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको ऊपर और नीचे की तरफ दोनों दिखाया था, यहाँ पर आपको कोई भी 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। आपको इसके लिए यूज़ करना होता है ये एडाप्टर USB-C वाला, जिसको कि आपको लगाना होता है अपने डिवाइस में, और उसके बाद में आप यहाँ पर लगा सकते हैं ऑडियो का 3.5 mm जैक, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के दौरान यहाँ पर ऑडियो यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ पर एक कमी मुझे इस डिवाइस में और लगी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इसका बैक पैनल। बैक पैनल देखने में जितना शाइनी और जितना प्यारा यहाँ पर लगता है, उतनी इसमें एक छोटी कमी मुझे ये लगती है। आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा निशान, तो काफ़ी आपके जो हाथ के निशान होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, उनको ये कैच यहाँ पर कर लेता है, और ऐसे में आपका जो बैक साइड है वो आपको काफ़ी भद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको रिकमेंड करूँगा आप इस डिवाइस को जब भी यूज़ करें कोई कवर वगैरह लगाकर ही यूज़ करें, हालांकि उससे आपके फ़ोन का वेट तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर थे कुछ जिन लोगों ने इस डिवाइस को परचेज़ किया होगा मेरी तरह bango.com से या फिर किसी अदर वेबसाइट से जो कि आपका इंटरनेशनली शॉपिंग प्रोवाइड करती हो, तो वहाँ पर आपको वॉल्टी का सपोर्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने इस डिवाइस में जियो का सिम यहाँ पर यूज़ किया है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वॉल्टी मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस डिवाइस के अंदर नहीं किए थे और वॉल्टी मुझे यहाँ पर चलाने को मिल रहा है, तो पूरी तरह से इंडियन ब्रांड्स पे कंपेटेबल है। मैंने यहाँ पर एयरटेल का सिम भी यूज़ किया है और साथ ही यहाँ पर मैंने जियो का सिम भी इसमें यूज़ किया है, तो पूरी तरह से दोनों सिम यहाँ पर काम करते हैं। तो करीबन 18,000 रुपये में मुझे ये मोबाइल जो है वो पड़ा है, एक्चुअल कीमत इसके लगभग 14,000 के आसपास थी। तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जैसे मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी बताया था। फाइनली मुझे ये डिवाइस यहाँ पर 18,000 रुपये का पड़ा है। अब 14,000 के डिवाइस में अगर देखें तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और USB-C मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि कुछ कमियाँ उनको मैं बिल्कुल नहीं छुपाना चाहूँगा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो यहाँ पर आपको 3.0 का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है, जो कि आपके डिवाइस को करीबन 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकता है, यानी कि 6300 mAh की बैटरी को आप सिर्फ 2.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर मुझे ये लगा है।
तो आई होप आपको ये रिव्यू जरूर से पसंद आया होगा। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर। आपको कोई सवाल अभी भी रह गया वीडियो के रिगार्डिंग या स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं आप आने वाले वीडियोस किस बारे में चाहिए, तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर से कमेंट करें। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।